स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अंडे की सब्जी आपने तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी गिलास में अंडे को फोड़कर और इस तरह की सब्जी बनाई है क्या? नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पनीर अंडा की एक ऐसी सब्जी बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप एक बार खा लेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और पनीर खाने वाले तो बिल्कुल देखे ही ना, क्योंकि वो पनीर खाना भूलने वाले हैं और यह सब्जी को खाने वाले हैं। पूरी वीडियो जानने के लिए, पूरी विधि जानने के लिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पनीर की तरह बनने वाले अंडे की खास सब्जी बनाना दिखा रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, अंडे को इस तरह डिस्पोजल की गिलास में फोड़ फोड़ के डालना है। पकने में टाइम लग जाएगा यार, मोटा हो जाएगा। चूंकि ये देसी अंडा है और देसी अंडा खाने से क्या होता है आप लोग बताएंगे क्या? प्रोटीन लेवल ज्यादा बढ़ता है कहते हैं, और मुर्गी वाले से भी पूछ रहे भाई तू बता क्या होता है। देसी अंडा खा लो रात में, स्टेमिना बढ़ता है। कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा वीडियो को। तो यहाँ पर हम कितने अंडे लिए हैं? अबे एल भर दिया अंडा को, पनीर का बने को अभी गिर जाएगा। हाँ, तो दो डिस्पोजल ले लेंगे ना आप लोगों को अंडा को बाहर। दो डिस्पोजल लेके ऐसे पलटी उल्टी मारेंगे और पैक बना लेंगे। और उसके बाद क्या करना है देखते जाइए, इसको चम्मच या चक्कू से आप लोग देना, सब चीज देना इसमें, सब चीज डाल इसमें। आप नमक स्वादानुसार आप लोग को थोड़ा डालना है, जिस तरह हम डाल के आप लोग को दिखा रहे हैं। फिर घूम के आ गए फिर बुटिया। और ये मिर्ची है, लाल मिर्च, ये है खत्री का गरम मसाला। पहुंच गए ना, किधर से आओ, भले ही सुरम करके आओ, कुछ भी आओ, पहुंच गए ना वो। और ये हल्दी पाउडर, ये सॉरी धनिया मसाला है। और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से आप लोगों को मिक्स कर लेना है, जो ये आपने अंडा इसमें डाला है ये पूरा मिक्स हो जाए, फूट जाए और पूरा बराबर हो जाए। कम से कम दो मिनट तक इसे मिला लें अच्छी तरीके से। आपका चिकन रोस्ट हुआ नहीं है? और आप देख सकते हैं हमारा पनीर अंडा की बहुत ही खास सब्जी तैयार हो चुकी है। इसके लिए हम प्रोसेस जारी है, और ये पूरा मिक्स हो चुका है देख सकते हैं आप। और ये इसको एक बार देख लीजिए आप। अब क्या करना है ध्यान से देखते जाइए आप, बहुत ही खास अंडे की पनीर की ये रेसिपी आप लोगों के लिए। चूल्हा जला लिया है कढ़ाई, और इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हमको डाल देना है। तो इस तरह आप लोग भी डाल सकते हैं, मोटा करी काटना। और इसको हमको जब ये पक जाएगा, आगे पका लेते हैं देखते हैं, मोटा मोटा बनेगा ठीक है। तो देखिए ये पक चुका है, और ये मोटा मोटा आपको इसको रख लेना है, और उसके बाद आप लोग को इसको पीस पीस काटना है, को प्लेट में निकाल के रख लेना है। इस तरह आप लोग को भी निकाल लेना है। ये तैयार हो चुका है। आप लोग को कढ़ाई पे तेल डालना है, जो देख सकते हैं आप जितना जरूरत उतना तेल डालें इसमें। इसमें प्याज आप लोग को डाल देना है अंडे के लिए पर्याप्त है, और इसको लाल होते तक आप लोग को फ्राई करना है। लहसुन डाल देना है आप लोगों को इसमें, इलायची, और ये है आपका। अरे वो पाउच रे, ये क्या था भाई? पेस्ट वाला पाउच बोला, क्या चीज को डाला था अभी इससे पहले? गरम मसाला। और ये है आपका क्या है? ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे डालने से सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है पनीर अंडा की। इसमें अब आप लोगों को धनिया पाउडर डालना है। हमारे गुरुजी दोनों और मिला लेना है इसको आप लोग को। क्या डाला? गरम मसाला है ये, वो चिकन मसाला था, गरम मसाला, चिकन मसाला, गरम मसाला सब डाल दें इसमें आप। हल्दी, और अब आप लोग को इसमें हल्दी डालना है।
हल्दी तो लगा तो अब इसे मिला लेते हैं। टमाटर डाल के तो चला लिया। नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद अपनी ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे। ये क्या है भाई? और ये जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पनीर टाइप का, इसको आप लोगों को इसमें डाल देना है। और आप इसे आप लोग को अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसमें फिर आप लोगों को पानी डालना है एक गिलास, और गर्मा गर्म आप लोग का अंडा पनीर मसाला की सब्जी रेडी है। इसमें आप लोग को पानी डाल देना है, और ये आप लोग की गर्मा गर्म पनीर अंडा तड़का डाल दो सब्जी तैयार भी अच्छे से है। ये मिलाता नहीं है अच्छे से, तभी मिल नहीं पा रहा है अच्छे से। धनिया नहीं पत्ती नहीं डालता क्या भाई? डलेगा ऊपर से। पानी थोड़ा आप लोग का फ्राई हो जाए और ये सब्जी रेडी हो चुकी है। और इसमें आपको आपको धनिया पत्ती डाल लेना है। जो ना आए काम पर और बना दे सबके बिगड़े काम, उसका नाम है धनिया। और उसके बाद आपकी गर्मा गर्म पनीर अंडा तड़का रेडी हो चुका है। ये किधर भाई? तो ये चिकन है, और चिकन में यहाँ पर हल्दी और अगल बगल दिखाओ ना, पीछे पीछे मतलब आगे जब आगे पीछे आगे सबको मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर, मतलब और ये बिल्ली बंद साइड जा चल रहा है ना, पीछे आओ पीछे पीछे आओ थोड़ा सा, उसके बाद चल ठीक है। ये दही क्यों डाला है भाई इसमें? ये भाई मिला मिला चिकन में दही क्यों डालते हैं? खट्टा आने के लिए, खट्टा आने के लिए चिकन खट्टा बनेगा। आगे आते जाओ ठीक है, नौगा साइड जा रहा ना। ये क्या बात है, अंडा वाला काम रखेगा भाई आधा घंटा, इससे क्या होगा? इससे जो होगा वो बाद में बताया जाए। चूल्हा जला लिया है कढ़ाई, और इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हमको डाल देना है। तो इस तरह आप लोग भी डाल सकते हैं, मोटा करी काटना, और इसको हमको जब ये पक जाएगा आगे पका लेते हैं देखते हैं। मोटा मोटा बनेगा बोलिए, ठीक है। तो देखिए ये पक चुका है, और ये मोटा मोटा आपको इसको रख लेना है, और उसके बाद आप लोग को इसको पीस पीस काटना है।